अहिल्या उत्सव के शुभ अवसर पर जहां प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थाओं में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए, उसी श्रृंखला में इंदौर जिले के देपालपुर न्यायालय में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रथम श्रेणी न्यायाधीश श्री दिनेश मीणा, प्रथम श्रेणी न्यायाधीश श्रीमती अंकिता शाही और अभिभाषक संघ के अध्यक्ष, सचिव और समस्त अभिभाषक सहित कर्मचारियों ने हिस्सा लेकर पर्यावरण में वृक्षों के महत्व को बतलाया। साथ ही वृक्ष लगाना और उनकी देखरेख करना मानव की नैतिक जिम्मेदारी बताते हुए वृक्षों को संरक्षित करने का भी संदेश दिया। देपालपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। आज के युग में हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए जरूरी है, वरना एक दिन आएगा जब हम ही नहीं रहेंगे, जब अर्थ ही नहीं रहेगा तो फिर हम भी नहीं रहेंगे। बहुत जरूरी है कि हम पेड़ लगाएं, उसकी रक्षा करें, अपने परिवार जैसे उसकी रक्षा करें, और उसके लिए हम सब कार्यबद्ध हैं। हम सब ने संकल्प लिया है कि हम सब इन पेड़ों की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। थैंक यू। वैसे इसकी निर्धारित तिथि 15 अगस्त थी, किंतु 15 अगस्त को अत्यधिक वर्षा होने के कारण हम लोग वृक्षारोपण नहीं कर पाए। उस दिन भी एक उद्घाटन के रूप में अध्यक्ष मैडम मालती जोशी और साथ ही मजिस्ट्रेट मैडम शाही मैडम का पौधा लगवाया था। उसके पश्चात वर्षा होने के कारण हमने ये प्रोग्राम स्थगित किया। उसके बाद हम यही खुले मौसम का इंतजार कर रहे थे, तो ऐसा उपलक्ष्य आया कि आज माँ अहिल्या की पुण्यतिथि का अवसर है, तो हमने सोचा आज के दिन ये वृक्षारोपण करा दें। और वृक्षारोपण के इस आयोजन प्रोग्राम या जिस जो भी कहें हम कार्यक्रम में, मैं यहाँ की बार को धन्यवाद देना चाहूँगा और मेरे साथी कर्मचारी साथ ही मजिस्ट्रेट मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये मात्र एक वृक्षारोपण नहीं है, वृक्षारोपण के साथ जिस व्यक्ति ने जो पौधा लगाया है वो अपना ट्री गार्ड भी साथ में लेके आया है, और उस व्यक्ति ने उस पौधे की पूरी जिम्मेदारियाँ भी ली है। पौधा लगाकर हटना एक अलग बात है, लेकिन उस पौधे का पूरा पालन पोषण करने की उस व्यक्ति द्वारा जिम्मेदारी ली गई जिसने लगाया गया है। मेरे द्वारा भी मेरे कर्मचारी जो न्यायालयीन कर्मचारी, उनको निर्देशित किया गया है कि वो कार्यालय समय के अतिरिक्त 10 मिनट का समय निकाले और अपने अपने पौधों को उचित समय देकर उसकी देखभाल करें, उसे पर्याप्त पानी दें, जो भी उसकी आवश्यकता है वो देखें और उससे सहजें। इसी उपलक्ष्य में वृक्षारोपण किया गया। थैंक यू। ये वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसका उद्देश्य आज लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वृक्षारोपण के प्रति जागृत करना है, ये बताना है कि पर्यावरण में वृक्षों का कितना महत्व है, हम किस तरीके से बिगड़ते हुए पर्यावरण के असंतुलन को जो है वृक्षों को लगाने के माध्यम से संतुलित कर सकते हैं। साथ ही हमें ये बताना है कि वृक्ष लगाना हमारी एक जिम्मेदारी है, एक दायित्व है, हम ना सिर्फ वृक्ष लगाएं बल्कि उनको बड़ा करें, उनकी देखरेख करें, और प्रकृति का एक अहम हिस्सा है जिससे हमारा और अन्य जीवों का जीवन जुड़ा हुआ है, उसके प्रति लोगों को जागृत करना ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने भाग लिया, हमारे यहाँ के न्यायाधीशगण लोगों ने भाग लिया, कर्मचारियों ने लिया, अभिभाषकों ने लिया, और भी नगर के कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं भी एक अभिभाषक और अभिभाषक होने के नाते मैं सभी लोगों का आभार मानता हूँ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।